वसई विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय अंतर्गत विरार पूर्व स्काईवॉक नाला सुपारा स्काईवॉक वसई पश्चिम स्काईवॉक और भाईंदर पूर्व के रेलवे स्टेशन पर खुलेआम सार्वजनिक जगह पर वेश्यावृत्ति चल रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश वराड़े के निर्देश पर विरार पुलिस और विरार आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विरार स्काईवॉक पर चल रहे वेश्यावृत्ति के व्यवसाय पर रोक लगा दी है। इस मामले में हमारे संवाददाता गौरव राजपुरोहित और अस्पान शाह ने वसई विरार मीरा भाईंदर आयुक्तालय के जोन 2 के डीसीपी संजय कुमार पाटिल और नालासुपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे से बातचीत की है। नालासुपारा से गौरव राजपुरोहित के साथ अस्पान शाह की एक रिपोर्ट। एक्चुअली बहुत बार हमारे पास कंप्लेंट आती है कि उसे रेलवे स्टेशन वैसे नालासुपारा प्लस स्काईवॉक दोनों एरिया में प्रोस्टिट्यूशन के मामले पाए जाते हैं, बहुत बार कंप्लेंट भी आती है। ये एक्चुअली सोशल इशू है एक्चुअली, और हम रिपीटेडली एक्शन लेते हैं, एसएस ब्रांच की भी मदद लेते हैं, और बार बार हमारा वहाँ पे पेट्रोल रहना ध्यान रखना ये चालू है, इसके आगे भी कार्रवाई थोड़ी तेज की जाएगी। सर, विरार पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, वरिष्ठ पुलिस ने सुरेश वराड़े साहब ने आरपीएफ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके वहाँ पे स्काईवॉक पे चल रहे देह व्यापार को बंद कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि मानिकपुर पुलिस और जीआरपी को मिलके भी कार्यवाही करनी चाहिए? एक्चुअली मानिकपुर एरिया का जो एरिया है वो जीआरपी के अंदर आता नहीं जी, एक्चुअली बस स्टैंड के बाजू में किया जाता है, ऐसी कंप्लेंट्स आती है, तो उसमें एसएस ब्रांच की मदद लेके हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर, आप पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहिए? इस मामले में थोड़ी पब्लिक नाराज भी है, देह व्यापार की अश्लीलता फैल रही, बच्चे भी जा रहे हैं छोटे छोटे, तो उनके मानसिकता पे भी असर हो रहा है सर। उसके ऊपर रेगुलरली एक्शन लेके उसके ऊपर कंट्रोल लाना और ये जो चीजें होती है गलत चीजें वो बंद करना, यही हमारी कोशिश है। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में उसके रिजल्ट दिखने चालू होंगे। अच्छा, गणेश उत्सव आ रहा है तो उस पर आपकी टीम सिक्योरिटी पे कितनी मतलब मुस्तैद है सर? गणेश उत्सव के अभी सभी कॉर्नर मीटिंग्स हमने चालू किए, हमारे पुलिस ऑफिसर मंडल के स्थान पे जाके वहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता से डिस्कस करके उनके क्या क्या प्लानिंग है, नियोजन कहाँ तक आया है वो सब चर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोन लेवल पे भी हमारी पीस कमेटी की मीटिंग, गणपति मंडल की मीटिंग और बाकी डिपार्टमेंट के साथ की जो मीटिंग है वो चालू है, और मुझे लगता है कि गणेश उत्सव बहुत जोरों शोरों से और उत्साह के साथ मनाया जाएगा, ऐसा मुझे आशा है। थैंक यू सर। कितनी एक्टिव है सर? देखो, नाला तो पर रजिस्टर और बेस बिल्डिंग है, वो कॉलर नहीं है, लेकिन लेडीज लोग खड़े रहते हैं और लोग आते जाते समय दिक्कत आती है, ये बात सही है। उनके ऊपर हम लोग बार बार कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी ये साल में हमने 15 केसेस किया है उनके ऊपर, अभी भी चालू है, तो जल्दी जल्द वो बंद किया जाए। सर, ऐसे लोगों का ये कहना है कि वो लोग खड़े रहते तो अश्लीलता का प्रसार कर रहे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते, आम महिलाओं को भी वैसी नजरों से देखा जाता है, तो आप इस मैटर को मतलब क्या एक्शन लेने वाले सर? हमारी एक टीम बनाई जा रही है, वो लेडीज ऑफिसर रहेगी उसके अंदर, और 5 महिलाएं रहेगी, 4 कांस्टेबल रहेंगे, और अचानक से छापा मारा जाएगा उनके ऊपर और पूरी तरह से बंद किया जाएगा। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।